हम वापस आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इसी को पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। आयनिक या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सही है। किस तरह से बनता है, क्या बनता है उस चीज पे, लेकिन हाँ एक चीज तो समझ में आ रही है कि आयंस के बीच में बॉन्ड है। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट तो ये है, इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू अपोजिट आयंस, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को आप क्या बोलोगे, आयन। तो कोई भी दो पार्टिकल है ए प्लस और बी माइनस के बीच में, हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, सही है। तो हम इसको बोलेंगे ए प्लस बी माइनस, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर किसी ने इसको ऐसे कर दिया तो ये गलत है, पक्का। आप इन दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंट कर दो चलेगा, लेकिन ये करते ही आपका गलत हो गया, आयनिक बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, आयंस पे चार्ज क्या होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर चार्ज है तो वो कैसे बॉन्ड बनाता है। तो हम अगला पॉइंट हमारे लिए यही होगा कि जो भी आयंस के ऊपर चार्ज आ रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी में भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो वैलेंसी। तो लिखिए एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रो वैलेंसी। इलेक्ट्रो वैलेंसी लिखिए, इट इज ए चार्ज, इट इज ए चार्ज प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन आयन, वो हमारे लिए इलेक्ट्रो वैलेंसी हो सकती है। यस और नो, बिल्कुल है। हम मैग्नीट्यूड में बताएंगे यहां, यानी किसी के ऊपर प्लस टू चार्ज है तो हम टू ही बोलेंगे, माइनस टू चार्ज है तो टू ही बोलेंगे, प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म बनता है, ध्यान से सुनिएगा, आयनिक बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्म। जैसे मैंने मान लिया Ca प्लस टू है और एक Cl माइनस है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, इसकी टू इसकी वन। तो जब हम CaCl2 बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी इस तरफ और इसकी वैलेंसी इस तरफ, यानी CaCl2 इस तरह से चलेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे लिए रहेगा Al प्लस थ्री और SO4 माइनस टू, सल्फेट पे माइनस टू चार्ज होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका थ्री और ये क्या है, टू। तो जब आप एल्यूमिनियम और सल्फेट को लेंगे तो इसका टू यहां और इसका थ्री यहां, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये इसके लिए क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रो वैलेंसी। समझ में आ रही है बात। तो यहां के लिए टू इस तरफ और ये थ्री इस तरफ, ये इलेक्ट्रो वैलेंसी है। तो हमारे लिए दो पॉइंट आ रहे हैं कि क्या हम इलेक्ट्रो वैलेंसी बता सकते हैं, हाँ। फिर दूसरा हमारे लिए आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या वेरिएबल भी हो सकती है किसी एलिमेंट के लिए, तो भी होगा, हाँ। तो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हो सकती है तो क्यों हो रही है। तो ये सारे हमारे पास आ सकते हैं। तो डेफिनेशन तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रोवैलेंसी, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे लिए क्या है और क्यों हम बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी के आधार पे हम आयंस का क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे लिए रहेगा मेन मोनोवैलेंट, जिसकी एक ही वैलेंसी होगी, मोनोवैलेंट आयन,
आयन में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये हमारे लिए पॉइंट हो रहा है। तो जैसे मोनोवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट जो हमारे पास पहला पॉइंट बनेगा इसके अंदर वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के हैं और सेकंड ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप मेटल्स, ग्रुप मेटल्स शो मोनोवलेंट आयन, यानी अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम इन सब की बात करेंगे तो इनकी सिर्फ एक ही वैलेंसी होगी। लेकिन अगर दूसरी बात करें हम, दूसरा पॉइंट, और वो रहेगा डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन की जगह हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंसी। वैलेंसी फिर अगला क्वेश्चन हो गया कि अगर ये वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंसी शो कर रहे हैं, वेरिएबल शो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और वो मोनोवेलेंट है तो क्यों कर रहे हैं? तो दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे दोनों के आंसर। देखो बहुत इजी कंसेप्ट जा रहा है, लिखते जाएं यहां से। देखो हो ये रहा है कि सोडियम को पकड़ते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। या कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनाएगा? Ca प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? तो इनके जब आप मेटल्स के आयन देखोगे, सोडियम या तो सोडियम प्लस क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, यानी एक तरह से नियॉन गैस बन गया। और कैल्शियम प्लस टू को देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये भी इनर्ट गैस है, वो तो नियोन था। ये कौन बन रहा है? आर्गन। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके कर्नल, कर्नल होते क्या है ध्यान से सुनिएगा, ये एटम है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा और सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा अंदर, इसको बोलेंगे कोर या कर्नल। और इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस हैं तो ये काफी स्टेबल होते हैं। तो सिंपल सा है, जब इनके कर्नल स्टेबल हैं तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट नहीं शो करेंगे, पक्का। ये तो सीधा एक या दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या बन गया? स्टेबल कर्नल। तो इनके जो बनेंगे ये दोनों हमारे लिए क्या है? स्टेबल कर्नल, यानी इनर्ट गैस के लिए, गैस कॉन्फिग्रेशन आयन। या हम बोल सकते हैं कर्नल या कोर भी बोल सकते हैं, आर वेरी स्टेबल, तो ये वेरी नहीं शो कर पाएंगे पक्का। लेकिन अगर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कभी इनर्ट गैस बनते ही नहीं है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैग्नीज तो 7 तक शो करता है। आ रही है बात समझ में? तो निकालते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, डिपेंड करता है कि सामने वाला कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हमारे पास तो बहुत सारा अपार इलेक्ट्रॉन का खजाना है, तो इसीलिए
डी ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें तो स्टेबल करना नहीं होता, तो वेरी हमारा पॉइंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के लिए, क्यों है उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है अनस्टेबल, कोर बोल दो या कर्नल बोल दो, बात एक ही है। दूसरा, ये तो लगता है फॉर डी ब्लॉक, और एक और होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा डेप्थ में और पढ़ लेते हैं, अनस्टेबल कर्नल क्या होते हैं डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। मैं मैंगनीज के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाला पॉइंट अनस्टेबल, कॉर्क किस तरह से बनते हैं, कोई भी ऐसा पकड़ लीजिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। मैग्नीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5 होगा या नहीं होगा। तो ये हो सकता है, ये आसानी से निकाल दे दो, फिर इधर से भी निकाल दे, तो यहां से लेके यहां तक ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दे देता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 सब शो करता है। तो एक एक करके +2, +4, +5, +6, +3b और +7 तक भी शो करता है ड्यू टू अनस्टेबल कर्नल। दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब भी इनर्ट गैस तो नहीं बन रहा, तीन निकालोगे तब भी नहीं बन रहा, चार निकालोगे तब भी नहीं बन रहा, पांच निकालोगे तब भी नहीं मिलेगा। सामने वाला अगर लेना चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन तक ले सकता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन आएगा, 8 नहीं शो करेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा आता है हमारे लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के लिए, खास तौर पे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस तरह से डिजाइन की गई है। या सुनो, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, मोस्टली ये तीन ग्रुप में तो हमारे को इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। या सुनो, यहां कौन सा आता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये क्या होता है, पी ब्लॉक, बोलो। या सुनो, तो जो एलिमेंट यहां आता है उसको डी ब्लॉक का मजा भी मिलता है और एस का भी मिलता है, लेकिन जो एलिमेंट यहां आता है उसे सिर्फ किसका मजा मिलता है, मजा से मतलब उससे पहले कौन आता है, सिर्फ एस ब्लॉक। तो यहां जो एलिमेंट्स आते हैं इस जगह, उसको डी ब्लॉक की वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर जेड इफेक्ट, डी ब्लॉक के बाद जो जेड इफेक्टिव बढ़ता है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे लिए ये हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट जस्ट आफ्टर पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव।
तो यहां वाले एलिमेंट्स को किसका मजा मिलेगा, डी का, और नीचे वाले को तो डी का और एफ का भी मिलेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे लिए जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, मूविंग डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा आ जाएगा नीचे, तो एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, हाई जेड इफेक्टिव, ट्रांजिशंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन बिकम लेस, लेस या वेरी लेस बोल दो, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? साथ लिख रहे हो आप? तो हम यहां से बात कर रहे हैं कि अगर मैं बोरोन की बात करता हूं, बोरोन ग्रुप, बोरोन बेटा, बोरोन क्या होगा हमारे लिए, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थैलियम, ठीक है। तो बोरोन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है इन सभी का, आप खुद जानते हैं, NH2NP1, यस और नो? तो शुरुआत में जेड इफेक्टिव कम रहेगा, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसके लिए वेरिएबल वैलेंसी क्या होगी, +3, इसके लिए क्या होगी, ये भी +3। अब गैलियम में क्या हो गया, डी ब्लॉक का मजा आ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो डिपेंड करता है सामने वाला क्या चाहता है, तो +1b और +3b। अगर सामने वाला ज्यादा चाहता है तो +3, इंडियन में भी +1 +3। लेकिन अब थेलियम में जेड इफेक्टिव इतना बढ़ चुका है, एफ ब्लॉक भी आ चुके हैं, कि अब वो सामने वाले पे डिपेंड नहीं करेगा, कहेगा मेरे पास तो एक ही है, मैं अपना एस इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो यहां पर +1 बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू +3। तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हुआ, यानी नीचे जाने पर एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट इज जनरेट ड्यू टू जेड इफेक्टिव ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिख लीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की, अब डेफिनेशन हमारे सामने आ चुकी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है मेरे साथ ही लिखे, मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ये तो हमारे पास है दिस, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जब एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक नहीं थे, जेड इफेक्टिव कम था, जब जेड इफेक्टिव कम था तो एलिमेंट ये सोचता था यार एस को भी क्यों पकड़ो, तू भी निकाल, इनर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारा पास, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो इसको क्यों निकालें, हम तो तीनों को निकालेंगे, ले जाओ। लेकिन जब जेड इफेक्टिव बढ़ने लगा तो पी को निकालना आसान हो गया, एस क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है तो वो निकालने के लिए मना करता है, तो सिर्फ पी निकल पाता है, एस नहीं निकलता,
निकलेगा तो दोनों एक साथ निकलेंगे, इसलिए या तो प्लस वन देगा या प्लस थ्री देगा। प्लस वन ऊपर की तरफ प्लस थ्री, नीचे की तरफ प्लस वन। तो क्या ये आगे भी देखने को मिलता है? हाँ भाई हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला के बाद कौन है? बोरोन, आप समझ रहे? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, इसके बाद कौन आएगा? कार्बन। तो कार्बन के लिए ट्रिक क्या बनेगी? काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत पंडित प्रभु, कुछ भी बोल दो। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NH2 NP2। तो कार्बन क्या शो करेगा? प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू और ये प्लस फोर प्लस टू। लेकिन अंतर क्या रहेगा कि PB प्लस टू की स्टेबिलिटी PB प्लस फोर से ज्यादा होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। PB प्लस टू इज मोर स्टेबल एस PB प्लस फोर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव ड्यू टू डी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। बस ये लिख लीजिए। तो बस ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, या यहां पर एक लाइन ऐड हो सकती है आपके लिए, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, मीनिंग सेम है। तो ये हमारे पास हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, जबकि डी ब्लॉक क्या कर रहे हैं? उनके साथ तो इतने सारे डी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि वो तो बेचारे स्टेबल कोर ही नहीं बना पा रहे। कोर का मतलब कर्नल, कर्नल का मतलब बचा हुआ कैटायन जो भी है, अच्छी बात है। तो अगर हम कार्बन ग्रुप के अंदर ले रहे हैं तो इसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी कौन सा है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो ये भी प्लस फाइव शो करेगा? नहीं, प्लस फाइव सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव बराबर है ऑलमोस्ट, फिर प्लस थ्री प्लस फाइव और इसके अंदर प्लस थ्री प्लस फाइव, लेकिन प्लस फाइव की प्लस थ्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है। नाइट्रोजन N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, दोनों शो करता है, प्लस थ्री भी करेगा। प्लस थ्री यहां पर सभी करेंगे, लेकिन प्लस फाइव ज्यादा हम बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। चलिए ठीक है, बोलो यस, क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2 NP3। लेकिन हो ये रहा है, हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं और नाइट्रोजन अपने आप में मेटल में नहीं होके क्या है? नॉन मेटल है। तो ये तो फिर माइनस भी शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम वहां पर अब बहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। और मेटल और नॉन मेटल में अगर बनेगा तो नाइट्रोजन तो उल्टा माइनस थ्री भी शो करेगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है। हम बात कर रहे थे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल्स की, समझ में आ रही है बात? अच्छा, आयनिक बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में कहां दिखाई देंगे? एक तरह से तो देखा जाए तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, यहां हमेशा क्या बनेंगे? आयनिक बॉन्ड। ये डायग्राम हम पहले भी बना सकते थे कि आपको हमेशा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में मिलेगा? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, पहली लाइन ही यही होनी चाहिए थी, समझ में आ रहा है? मेटल कोई भी ले सकते हैं आप, सोडियम,
और नॉन मेटल ले सकते हैं आप फ्लोरीन, तो सोडियम क्या बनाएगा Na प्लस, फ्लोरीन क्या बनाएगा F माइनस, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा Na प्लस F माइनस, ये हमारे लिए आयनिक बॉन्ड हो गया या आयनिक कंपाउंड हो गया। समझ में आ रहा है? तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी से अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक हमारा ये, हमने अभी हाल प्रॉपर्टीज करी है, वो क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड क्या है वो हमारे लिए मेन था। तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला जो आपको प्रॉपर्टीज लगती है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड एक अपने आप में बॉन्ड है, इसको मॉलिक्यूल बोलना अजीब सी बात है क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होके एक बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलना गलत है, इसके लिए यूनिट फॉर्मूला बोलना ज्यादा सही है। तो आयनिक कंपाउंड्स की सबसे पहली पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड हैविंग नेटवर्क बॉन्डिंग, नेटवर्क बॉन्डिंग, यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो पूरा कंपाउंड, पूरा सब्सटेंस, कंप्लीट सब्सटेंस अटैच्ड और जॉइंट, जॉइंट बाय ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एंड जनरेट थ्री डायमेंशंस, 3D लैटिस स्ट्रक्चर। In which all ions direct or indirect, direct or indirect attached. So in this case, so ionic compound case, मॉलिक्यूल वर्ड इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट प्रॉपर, वो तो अपन आम बोलचाल में बोल देते बट नॉट इज नॉट प्रॉपर, यहां कौन सा होगा देयर फॉर्मूला या यूनिट फॉर्मूला इज प्रॉपर वर्ड, यूनिट फॉर्मूला इस प्रॉपर वर्ड, यानी मैं अगर NaCl को बोलना चाहता हूं तो NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl फॉर्मूला यूनिट है। तो आप अच्छे से समझ में आ सकते हैं कि NaCl इज नॉट मॉलिक्यूल, इज नॉट मॉलिक्यूल, इट इज ए यूनिट फॉर्मूला। क्योंकि आप NaCl लैटिस को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हर एक NaCl से जुड़ा हुआ है और हर Cl एक Na से जुड़ा हुआ है और एक ही नहीं, ऊपर नीचे सब इस तरह से अटैच्ड है। तो कुल मिला के आपको ऐसा फील आएगा कि हर एक थ्री डायमेंशन में ये अटैच्ड है और ईच Na प्लस सराउंडेड बाय सिक्स
सी एल माइनस एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यानी हर क्लोरीन आयन भी हमारे लिए, क्लोराइड आयन भी हर Na प्लस, 6 Na प्लस से जुड़ा हुआ है। तो ये एक लैटिस फॉर्म में रहता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो लैटिस फॉर्म में रहते हैं। तो हम लैटिस फॉर्म को कैसे बताएंगे, कैसे जनरेट हो रहा है वो बताएंगे, वो हमारे लिए मेन टारगेट रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसको बॉर्न हेबर साइकिल से बताएंगे। तो हमारे लिए ये आ गया एक और वर्ड, बॉर्न हेबर साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे कि Na है और हाफ Cl2 है, जो कि बताएगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl लैटिस। तो आप बताइए Na से, Na यहाँ पर सॉलिड है, हमने Na को गैस में चेंज कर लिया या वेपर में चेंज कर लिया, Cl2 को, Cl ऑलरेडी गैस में था लेकिन पहले मॉलिक्यूल फॉर्म में था, हमने एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब Na से Na प्लस लिया, Cl से Cl माइनस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन बनेगा, ये लेगा एनायन बनेगा, इनर्ट गैस हो गया, ये भी इनर्ट गैस हो गया। आप दिख ही रहे हैं 1s2 2s2 2p6, और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दोनों इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गए। देख लीजिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आना इनर्ट गैस को बता रहा है। अब इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? NaCl लैटिस। क्योंकि हमने इसके वन मोल लिए थे, तो वन मोल NaCl हमारे पास बन चुका है। और एक मोल में कितने आएंगे? 6 × 10^23 आयन इसके, 6 × 10^23 आयन इसके। आप बताइए ये हमारे पास हो गया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये सॉलिड है, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी, क्योंकि आधा मोल है तो हाफ लेना पड़ेगा, सब्लिमेशन पूरा एक मोल है, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये तो पहला हुआ हमारे लिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एक मात्र ऐसा पॉइंट जो हमने आज हमारे लिए बहुत रहेगा, आपको क्या लग रहा है कि कब बॉन्ड ज्यादा आसानी से बनेगा? एक आयनिक कंपाउंड के बनने के पीछे क्या लॉजिक आएगा, क्या है फैक्टर, यानी कि आयनिक कंपाउंड कब अच्छे से बनेगा, आयनिक कंपाउंड कब आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए प्रोपोर्शनल रूल क्या रहेगा, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो सब्लिमेशन मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर से देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी भी कम हो रही है, बाहर से देनी पड़ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, बाहर से देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इसको बोलेंगे डेल्टा एच ई जी, ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये पहली ऐसी एनर्जी जो लिबरेट हो रही है। और लैटिस एनर्जी ये भी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे लिए इसके लिए क्या फैक्टर है? ये इन्वर्सली जाएगा, ये इन्वर्सली, ये इन्वर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी आयनिक क्रिस्टल उतना आसानी से बनेगा और ज्यादा अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फैक्टर हमारे पास आ गए। एक और पॉइंट आ रहा है कि लैटिस एनर्जी किससे रिलेटेड है। लैटिस एनर्जी अपने आप में है तो वही आयन के बीच में जो चार्ज है, K Q1 Q2 / R2। R की जगह आप क्या लिख सकते हो? R प्लस प्लस R माइनस।
बस एनर्जी है तो स्क्वायर नहीं डलेगा, फोर्स होता तो स्क्वायर डलता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन वो का वही। मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट क्यों लगाया है, क्योंकि एक सोडियम बहुत सारे क्लोरीन से तो डायरेक्ट अटैच है 6 से तो, और इनडायरेक्टली और भी है बहुत सारे, क्लोरीन के बाद सोडियम वापस क्लोरीन भी तो आ रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो बहुत सारा अटैच है, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनेट लगाने की कोशिश की है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा साइज होगी लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। कुछ कुछ समझ में आया? तो ये हमारे लिए लैटिस एनर्जी के लिए एक बहुत सही हो गया। आज अगर हम लैटिस पढ़ रहे हैं, एक लैटिस एनर्जी, एक मैंने ले लिया Al2O3 ज्यादा होगा, और एक ले रहा NaCl। क्यों भाई? क्योंकि उसमें देखो चार्ज कितना है, +3 +2, +3 -2, यहाँ कितना है +1 -1, तो कहीं ना कहीं चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। MgO के लिए बहुत ज्यादा होगा NaCl से, तो चार्ज डोमिनेट करता है जनरली। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। तो एक प्रॉपर्टी हमारे लिए समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड बन कैसे रहे, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड्स देखने के लिए आपको सबसे अच्छा है घर में NaCl देख लो, और NaCl के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सॉलुबिलिटी और क्या कहते हैं हार्डनेस, उनके बहुत सारे ब्रिटलनेस, ये सब प्रॉपर्टीज आएंगी जो हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया है कि हाँ आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनको देख सकते हैं हम, सही है। अब बात आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, लिखते जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट, आयनिक बॉन्ड हैविंग नेटवर्क बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड ऑब्लिक कंपाउंड, हम बात जहां आयनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड्स हैविंग, यस, आयनिक कंपाउंड हैविंग नेटवर्क बॉन्डिंग, ओके, लिख लो, दोबारा लिखिए इसको, नेटवर्क बॉन्डिंग। सेकंड, हाँ तो लिखें आयनिक, ऑल आयनिक कंपाउंड्स लिखते जाएं, फिर भी दोबारा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन नेचर। थर्ड, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिस, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिस, क्योंकि इसमें पोजीशन फिक्स होती है आयंस की, तो आइसोमेरिस शो ही नहीं कर पाएगा आयनिक कंपाउंड्स। NaCl एक ही तरह की स्ट्रक्चर रखेगा तो एक ही रखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर, आयनिक कंपाउंड सॉलिड तो लिख चुके हैं, आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आप तोड़ोगे तो वो बारीक बारीक पीस में चेंज होगा, मतलब उसका वायर नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+Cl-, Na+Cl-। अगर आप यहां से इसको ब्रेक करते हैं, इस पे हैमर का मारते हैं, हथौड़े की मारते हैं, तो क्या होगा, ये पूरी स्लाइड इस तरफ मूव कर जाएगी, और जब मूव करेगी तो Na+Cl-, Na+Cl-, ये क्या हो जाएगा, Cl-, Na+Cl-, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या आप यहां पर, आप ही बताइए, क्या यहां पर आप वायर बना सकते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिपल्शन होगा तो ये पीसेस में टूटेगा, ना कि वायरिंग होगी। फोर्थ, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स
आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से आराम से डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बहुत टाइट बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस स्टेट दे आर गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। सेवेंथ, समझ में आ रहा है? ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉपर्टी देखनी है तो आप NaCl को देखते हुए बता देना। जनरली आयनिक कंपाउंड आर ट्रांसफर इन नेचर, ट्रांसफरेंस यानी कि कलरलेस इन नेचर, ये भी लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट इन नेचर, या बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड आर कलरलेस। ठीक है, NaCl का प्योर NaCl होता है तो उसका क्रिस्टल आपको कैसा दिखेगा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप NaCl को देखते हुए आराम से बता सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो ये रहा एक पॉइंट आयनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड को हम एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि हमें आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना होता है, तो वो मैं सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? जब आप सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेटालिक बॉन्ड हेडिंग डाल लीजिए, मेटेलिक बॉन्ड या कंपाउंड। मेटेलिक के अंदर आपको दिखते क्या याद आता है? मेटल के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, सिल्वर, बहुत दुनिया भर के मेटल्स हैं। समझ में आ रहा है? तो मेटल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से हमारे पास, हम Fe को देखते हैं, हम Fe सॉलिड बोल देते हैं बस, हम NaCl कंपाउंड फॉर्म में नहीं बोलते इसको। इसको क्या बोलेंगे? Fe। Fe किस तरह से बनेगा? ये Fe, 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 और आपको मालूम है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बाहर निकल जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? कोर। कोर का मतलब कर्नल, कर्नल का मतलब कैटायन। तो यहां कोई ना कोई आयन रहेगा Fe प्लस एन, यानी ये सिर्फ न्यूक्लियस की तरह रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो एक अलग बात है, इसलिए मैं एन लिख रहा हूं बस। तो इसको आप क्या बोलोगे? Fe, इसको बोलोगे कर्नल, और इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन वॉल रहेगी बीच में, दो Fe के कर्नल के बीच में। समझ में आ रहा है? तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी? लिखना चालू करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड फुल स्पीड के साथ। फर्स्ट, क्या लग रहा है आपको इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी? फर्स्ट, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क बॉन्डिंग। लिखें नेटवर्क
बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? यानी मेटेलिक बॉन्ड हमारे किसके लिए एग्जाम्पल है? नेटवर्क बॉन्डिंग का। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। सो जनरली मेटेलिक कंपाउंड आर हार्ड एंड सॉलिड, सॉलिड इन नेचर। तो नेचर में जितने भी आपको मेटल दिखेंगे वो सॉलिड दिखेंगे जनरली, और एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। कौन है? एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन तो आपको मालूम है, मरकरी। इसके अलावा भी है, गैलियम, सीजियम, ये सारे एक्सेप्शन है। ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो जनरली मेटेलिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर। एक और चीज है जो आयनिक बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड से अलग रखती है, आयनिक ब्रिटल होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? डक्टाइल। इनके वायर बन सकते हैं, इनकी प्लेट बन सकती है। तो मेटेलिक कंपाउंड्स या मेटेलिक, जो भी हम कंपाउंड तो बोल ही नहीं सकते मेटेलिक, तो मेटेलिक को हम बोल सकते हैं, मेटेलिक ही रहने दीजिए। मेटेलिक आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट करना बहुत आसान होगा, तो इनके लिए कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ, अगर हमें मेटल देखना है तो सबसे अच्छा क्या होगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल देख सकते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर, इन वॉटर। आप मेटल को पानी में डाल दीजिए, क्या सॉल्युबल हो जाएगा क्या थोड़ी सी देर में? नहीं होगा ना। तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हो गई मेटेलिक बॉन्ड की। इसके बाद आता है कोवलेंट, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यही आगे जाके पढ़ना है। तो हेडिंग डलेगी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें तो लिखना शुरू करें।